हाय गाइस, मेरा नाम है अजय और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अजय टेक्नो एडवाइस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ऐसे कीबोर्ड की जिसे आप छू नहीं सकते लेकिन जिसे आप यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लेजर कीबोर्ड के बारे में और वो छोटा सा डिवाइस है इस वक्त इस छोटे से बॉक्स के अंदर। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस डिवाइस को अटैच करना है आपको अपने मोबाइल के साथ और कैसे इसे यूज करना है, क्या है इसके फायदे और क्या है इसका नुकसान। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अजय टेक्नो एडवाइस को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, मेरे पास है डिवाइस इस वक्त मेरे हाथ में इस बॉक्स के अंदर। हम इसे कर लेते हैं ओपन और देखते हैं दोस्तों हमें कंपनी की तरफ से क्या मिलता है इसके बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों, बॉक्स में सबसे ऊपर हमें मिलता है एक मैनुअल कार्ड जो कि दोस्तों एक तरफ है चाइनीज लैंग्वेज में और एक तरफ है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसे दोस्तों अभी हम रख देते हैं फिलहाल साइड में और हम देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। तो ये रहा हमारा लेजर कीबोर्ड, इसे भी दोस्तों अभी फिलहाल मैं रख देता हूँ साइड में। और बॉक्स के अंदर दोस्तों हमें मिलती है एक यूएसबी चार्जिंग केबल जिससे दोस्तों आपको चार्ज करना है इस लेजर कीबोर्ड को, डिवाइस को। यह दोस्तों चार्जिंग केबल, अभी फिलहाल हम इसे रख देते हैं वापस साइड में और निकाल लेते हैं इस डिवाइस को बाहर। दोस्तों, इस डिवाइस के लेफ्ट साइड आपको कुछ नहीं मिलता, ऊपर की तरफ भी कुछ नहीं है। राइट साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है पावर ऑन ऑफ बटन, नीचे की तरफ आपको मिलता है एक चार्जिंग पोर्ट इसे चार्ज करने के लिए, और दोस्तों पीछे की तरफ आपको मिलता है स्पीकर ग्रिल, जब हम कीबोर्ड को क्लिक करते हैं टच करते हैं तो इसमें से साउंड आता है उसके लिए। और दोस्तों, इसको पावर ऑन बटन को आपको 2 से 3 सेकेंड के लिए करना होता है प्रेस, तो जो ये स्टार्ट हो जाता है। राइट साइड ऊपर की तरफ आपको मिलती है यहाँ पर लेजर प्रोजेक्शन, लेफ्ट साइड है यहाँ पर सेंसर और नीचे की तरफ है 2 इंडिकेटर ब्लू लाइट। दोस्तों, ये जो राइट वाली लाइट है इसका मतलब होता है अगर ये रेड हो जाती है तो इट्स मीन इसे चार्जिंग की जरूरत है, और जो लेफ्ट वाली लाइट इंडिकेट करती है ब्लू कलर तो इट्स मीन कि अभी ये किसी भी मोबाइल वगैरह से अटैच नहीं है। और दोस्तों, अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसके अंदर है 700 mAh की बैटरी जिसे चार्ज होने में लगता है करीब 120 मिनट का टाइम। और दोस्तों, 120 मिनट आप इसे फुल चार्ज करने के बाद 120 मिनट आप इसे यूज कर सकते हैं, यानी जितनी देर आप इसे चार्ज करते हैं उतनी देर आप कर सकते हैं इसे यूज। आप लेआउट इसका देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा इस टाइम, यह है इसका लेआउट। दोस्तों, इसे कैसे करना है मोबाइल से अटैच मैं आपको अभी दिखा देता हूं। तो दोस्तों, इसे करना है मोबाइल के साथ अटैच। तो अभी आप देख रहे हैं इस डिवाइस में लेफ्ट वाली जो लाइट है ब्लू कलर की वो इंडिकेट हो रही है, और जैसे ही मैं इसे मोबाइल से अटैच कर दूंगा तो जो लाइट है वो बंद हो जाएगी। ब्लूटूथ को करना है टर्न ऑन। और आप देख सकते हैं लेजर प्रोजेक्शन कीबोर्ड यहाँ पे नजर आ रहा है, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो ये अटैच हो चुका है मोबाइल इसके साथ। और आप देख सकते हैं इस डिवाइस के अंदर जो लेफ्ट वाली की लाइट है वो इंडिकेट करना बंद हो गई है। हम इसे दोस्तों कर लेते हैं बैक और यूज करके देखते हैं एक बार कीबोर्ड को। तो दोस्तों, रूम की जो लाइट है उसको मैंने कर दिया थोड़ा सा डिम ताकि आपको क्लियर नजर आ सके वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा टाइपिंग करके आपको दिखाते हैं कैसे आपको टाइप करना है। ये मैंने व्हाट्सएप में चैटिंग जो ऑप्शन है उसको चालू कर लिया है और मोबाइल को रख देता हूँ मैं आपके सामने ही ताकि आप क्लियरली देख पाएं जो भी मैं इसमें टाइप करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमें टाइप करना है अजय, तो मैं यहाँ पर टाइपिंग करता हूँ अजय स्पेस, और अगर आपको कैपिटल में लिखना है तो आपको शिफ्ट को क्लिक करना है और उसके बाद आप लिख सकते हैं कैपिटल में कुछ इस तरीके से। और दोस्तों, जैसे कि अगर आपको इसे सेंड करना है मैसेज को तो उसको आप माउस की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, इसमें जो कीबोर्ड है वो भी यही होता है और जो माउस है वो भी यही होता है। आपको क्या करना होता है, नीचे की तरफ आपको एक एरो नजर आ रहा होगा, आपको इसे क्लिक करना होता है और उसकी जो लाइट है वो थोड़ी सी डिम हो जाती है और उसके बाद जो है ये माउस का काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो में मेरे मोबाइल के अंदर आप देख सकते हैं ये माउस का काम कर रहा है, ये मैसेज सेंड हो गया। और दोस्तों, अगर आप इसे जैसे ही वापस क्लिक करते हैं तो ये कीबोर्ड का काम करता है। मेरा जो सरफेस है वो अभी एकदम प्लेन नहीं है तो इसलिए थोड़े से इसमें
कुछ एक्यूरेसी में हल्की सी प्रॉब्लम हो रही है, इसे आप एकदम प्लेन सरफेस के ऊपर रखेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। और दोस्तों इसका जो माइनस पॉइंट है या इसकी जो प्रॉब्लम है वो मेन ये है कि अगर आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है तो आप इसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकते, या तो आप एक उंगली से इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप दो उंगली एक साथ चला सकते हैं, बट आप अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप इसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।